वालेकुम, गुड मॉर्निंग बेटा, सबको नमस्ते। देखो बेटा, मैं वो बच्ची का अभी पैक करी थी, अभी यूट्यूब पे डाली थी। सब चंक उन्होंने ले लिया है, उनका पैक हो गया है। पार्सल पैक होने के बाद वज़न में इतना सा ज़्यादा थोड़ा सा हो गया है, तो फिर ये मैं नहीं डाल सकती, मैं अपने डब्बे में डाल लूँगी। मैं सोची मुझे भी खाने दिल कर रहा था, तो इसलिए क्रंच वीडियो बना लूँ। देख लो, ठीक है, मैं क्रंच वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा सा खाती हूँ, दिल बहुत कर रहा है। इतना टेस्टी ना बेटा, सोलो करे बिना रहा नहीं जा रहा। और काफी बच्चों ने मेरे को बोले, आंटी चपटे चपटे पीस देना। अभी नया बल्ब खोलूंगी ना बेटा क्लीन करने, उसमें निकलेंगे, तो जिसने भी मांगा उनको दे दूंगी। ठीक है, बहुत टेस्टी सच में। और एक बात बता बेटा, मेरे कमेंट्स में सब नहीं, एक दो बच्चे को नहीं, मैं नहीं जानती उनको, आके बोलते हैं मुंह मत खोल के खाओ, ऐसा मत खाओ, ऐसा मत खाओ। एक तो मैं अपनी तबीयत का नहीं सोचती हूँ, गोली चालू है मेरी घुटने की, बीच में मेरे गले की गोली चालू थी, सर्दी बुखार था। ठीक है, अभी वो सब सही हो गया, अभी मैं टेबलेट भी खाती हूँ। तो फिर भी मैं आप लोग की खुशी के लिए क्रंच करती हूँ, सोलो करती हूँ। ठीक है, तो भी मेरे को ऐसा बोलते हैं कमेंट्स में आके, मुंह मत खोलो, ऐसा मत करो। मैं थोड़ी वो अपना बोलते ना सोच के रखती हूँ कि मेरे को ऐसा ही खाना है, मेरे को ऐसे ही खाना है, जैसा मेरा मन करता है वैसे मैं खाती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग को अगर नहीं देखना है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मत देखो। हाँ, पर मेरे को प्लीज़ एडवाइस मत दो। अब कैसा, मैं मुंह खोल के कैसे, मैं मुंह खोलूँगी तो गिर नहीं जाएगा। आप मुंह क्यों खोलते हो, क्यों बताते हो? एक लड़की ने कल बोली थी, जिनका कमेंट्स मैंने रिमूव करी, मेरे को नहीं पसंद आता बेटा। फिर ऐसा करेंगे ना, मैं कमेंट में ना क्रंच वीडियो डालूंगी नहीं, अगर ऐसा सब बोलोगे तो आप लोग प्लीज़। और जिसको मेरा क्रंच वीडियो अच्छा लगता है तो बताना। देखो, मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ क्रंचर में, ठीक है, जैसा मुझे आता है नॉर्मल, जैसा खाती हूँ वैसे ही खाती हूँ, वो भी आप लोग के बोलने पर ना। तो पीछे तो मैं खा सकती हूँ ना बेटा, वीडियो क्यों बनाऊँ? आप लोग के लिए आपको अच्छा लगता है बोल के मैं बनाती हूँ, फिर उसमें भी ऐसा इतना नाम रखेंगे तो अच्छा लगता है क्या? बोलो, चलो ठीक है, छोड़ो। और ये ब्लैक होल और फूड रोस्टेड, रुको मैं बताती हूँ। देखो बेटा, मिक्सर दिख रहा है एकदम प्लेन। देखो, इसमें ब्लैक होल के ये चमके, ये भी ब्लैक होल, फूड रोस्टेड भी, बहुत टेस्टी ये वाला स्टॉक बाबा। मैं बोली थी ना आपको, मैं जो बोरी खोली थी, दिल खुश हो गया था मेरा।
काफ़ी बच्चे मेरा सोचते हैं सुलो मत करो बोलते हैं। और हाँ बेटा, किस किस को ऐसा लग रहा है प्लीज़ हाथ उठाना कमेंट्स में, क्या यूट्यूब पे बहुत सुख शांति सुकून छाया हुआ है और वो किस लिए मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। देखो आंटी ना बहुत कम सवाल जवाब पूछती है, तो ये आप लोग का सवाल है, मुझे ज़रूर जवाब देना कमेंट्स में, ठीक है। और दूसरी बात ना बेटा, मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगी, कोई भी बच्चा, कोई भी बायर से हो, कोई भी किसी के सेलर से लेता हो, मेरे कमेंट्स में आके कोई दूसरे सेलर के बारे में बोलते तो उसमें मेरी गलती नहीं है। मैं उनको नहीं सिखाती हूँ जाके कि मेरे कमेंट्स में आके तुम लोग ऐसे कमेंट्स करो, वो करो वो करो, उनकी मर्ज़ी होती है। और रही बात दिल की, वो जो दिल देते हैं ना, जो लाइक जैसे कि आप लोग कमेंट्स करते, तो मैं सब में सब मैसेज में देखना, मेरे को प्राइस जो पूछते हैं ना उसको भी मैं जाके वो टिक कर देती हूँ, लाइक कर देती हूँ, ठीक है। मैंने देखी हूँ बोल के, मैं अभी किस किस का मुँह पकड़ूँ, किस किस को बोलूँ कि आप मत बोलो इस सेलर के बारे में उस सेलर के बारे में, नहीं बेटा। और तुम लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़, आप लोग के जो भी प्रॉब्लम है ना, जाओ आप वो सेलर से खुद बात करो जिससे आपको प्रॉब्लम है, मेरे कमेंट्स में आके उनका नाम लिख के उनके बारे में बोल के मत बोलो बेटा, मेरे को नहीं अच्छा लगता। फिर इसमें क्या होता है मालूम है, सेलर सेलर लोग में ना हम लोग में ना बुराजगी आती बेटा, और मैं किसी के साथ बुरी नहीं होना चाहती, सब सेलर अच्छे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, मेरा कोई किसी ने नहीं बिगाड़ा, खाली वो एक रंडी को छोड़ के वो मिसकैरेज धंधे वाली को, ठीक है, बाकी मैं किसी से नहीं छिड़ती, सब अच्छे, अल्लाह ताला सबकी कमाई में बरकत दे प्लीज़। तुम लोग ऐसा करते ना उसके वजह से क्या होता है ना, मैं क्या हम लोग सेलर सेलर में ना दिल में ना बुरा आती, तो वो क्या बोलते हैं ना, मेरा नाम खराब करते हैं लोग, बोलते कि हाँ आंटी हमारे कस्टमर को भड़का रहे। अरे मैं क्यों भड़काऊँ, और कस्टमर क्या भड़कने वाला है, और मैं क्यों बोलूँ भाई, कितने लोगों को मैं मेरे पास नहीं रहता था, मैं सबका नंबर देती थी, याद है ना कि जाओ ये सेलर से ले लो वो सेलर से ले लो, इसलिए मेरे को कोई सेलर से प्रॉब्लम नहीं है। और बेटा प्लीज़ तुम लोग से रिक्वेस्ट है, तुम लोग तो मेरे को अभी वीडियो और कमेंट्स वगैरह किसी का स्क्रीनशॉट तो भेजते नहीं हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं डांट देती हूँ डायरेक्ट, कोई मेरे को भेजता ना व्हाट्सएप पे, मैं डांट देती कि मेरे को नहीं भेजना, तो बच्चे दोबारा वैसा काम नहीं करते। तो मैं बोलती बेटा अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम है मेरे कमेंट्स में आके अच्छा कमेंट्स करो, कोई सेलर के बारे में बोल के करके क्या फ़ायदा बताओ, क्या फ़ायदा है आपको, अगर कुछ तकलीफ है उनका है ना आपका पास नंबर, उनका चैनल है ना, उनके कमेंट्स में जाके करो, बिंदास करो, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर मेरे कमेंट्स में आके प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करो ताकि मैं पढ़ के खुश हूँ, ठीक है, बस यही बात है और कुछ नहीं। और हाँ बेटा, एक सेलर का मैंने वीडियो डाली हूँ, देख लो आप, नंबर भी उनका क्ले सेलर नाम है वो बच्ची, प्लीज़ मेरे बोलने पर उसको सब्सक्राइबर कर दो प्लीज़ मेरे बोलने पर, ठीक है बेटा, क्योंकि उनका कुछ मसला है, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो हो सके तो उनसे भी बाय करो, मैं उसके लिए ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि वो बच्ची की ना माँ ना बेटा बहुत बीमार है, ठीक है, और वो खुद भी मतलब दूसरा भी काम करती है, और ये क्ले का भी थोड़ा थोड़ी गुनी मंगा के वो सेल कर रही, तो मैं उसके लिए सजेस्ट करूँगी, वो बच्ची क्ले सेलर लिखा हुआ है मेरे से, प्लीज़ बेटा प्लीज़, किसी को सब्सक्राइबर करने से या कुछ करने से आपका तो कुछ होएगा नहीं, मेरे बोलने पे प्लीज़ वो बच्ची को सब्सक्राइबर करना, और उसका नंबर भी दिया हुआ है उसके, वो भी मिट्टी सेल करती, हो सके तो मेरे से कम लो चलेगा, पर उससे ले लो ताकि उसकी ज़रूरत मेरे से ज़्यादा है बेटा, ठीक है। क्ले सेलर नाम है देखो उनका, उनके वीडियो पे मैंने उनका चैनल का लिंक भी डाला है बेटा, सब्सक्राइबर कर दो प्लीज़ 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 मेरे बच्चे लो, मैं बोली ना भले मेरे से मत लो क्ले, मेरा थोड़ा महंगा है मेरे से मतलब, पर वो बच्ची मेरे से सस्ता दे रही है और अच्छा स्टॉक है, उसके स्टॉक की गारंटी मैं लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने जहाँ से ली ना वहीं से उनको दिलाई थी मैंने,
तो उनके स्टॉक की गारंटी मैं लेती हूँ, आप उनसे लो। हाँ बेटा प्लीज़, ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी। देखो ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मैं थोड़ा उसकी हेल्प करना चाहती इसलिए। ओके मम्मा प्लीज़, मेरा बच्चा प्लीज़, मेरे बच्चे लोग मेरे बेटे लोग। छोटा ही नहीं है, मैं इसलिए थोड़ा ब्रेक लेके बात कर रही थी क्योंकि चबाने से भी ना ज़्यादा बेटा दिमाग है ना, दिमाग यहाँ जोर पड़ता है, दुखता है, और मैं ज़्यादा ना राइट साइड से ही खाती हूँ। बस बेटा अभी मेरा दुख रहा है जबड़ा चबा चबा के, ठीक है, आप लोगों को पता रात में क्या हुआ, 2:30 बजे मेरे पिल्लू है तीन सामने, होएंगे 3 महीने के, उठो कुत्ते के पिल्लू, नीचे बिल्डिंग है वो, जहाँ सोते ना वो वॉचमैन है ना रात भर रहता है, कल आवाज़ आ रही थी बहुत, मेरा गेट है ना बंद था, वॉचमैन ताला मार के सो जाता है ना रात में 1 बजे के बाद, तो मैं 2:30 बजे उठ के गेट के नीचे से थोड़ी जगह थी वहाँ से घुस के निकली, क्योंकि वो पिल्लू है ना बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, कभी नहीं चिल्लाता इतना। मैं भागी फटाफट और देखी ना बेटा उसको, मुंगूस है ना मुंगूस, क्योंकि यहाँ झाड़ी ज़्यादा है ना जहाँ वो लोग रहते, मुंगूस ने पकड़ लिया उसका पैर और छोड़ रहा नहीं, डंडा लेके गई मुंगूस को, दी फटक से भाग गया बेचारा, बच्चे का पैर पकड़ लिया, आज उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, वो लंगड़ा रहा है चल भी नहीं पाता, देखो मुंगूस को भी कितनी चर्बी है गाड़ में, तो बात ऐसा हो गया बेटा, रात भर मैं सोई नहीं, मालूम वही चीज़ सोच सोच के, फिर बहुत देर तक अब वो बच्चे को लेके बैठी, उसको थोड़ा प्यार करी, फिर वापस ऊपर घर पे आई, दूध गर्म करी, फिर उसको दूध पिलाई, फिर जाके छोड़ी, फिर वो वॉचमैन को बोली 200 रुपये दी, मैं बोली बाबा बच्चे चिल्लाएंगे तो ख्याल रख, रोज़ तेरे को संडे संडे को 200 रुपये दे दूंगी, हाँ हाँ मैडम कोई बात नहीं, मैं बोली क्या कोई बात नहीं, इतना देर से चिल्ला रहा था, बोले नहीं मेरे को लगता है लोग मस्ती करते ना, दो भाई बहन और है, मैडम ऐसा मत कर रहे भाई, ले 200 रुपये ले, संडे संडे को ले ले, 200 रुपये दे दूंगी, जब भी बच्चे चिल्लाए तो जाके देखा कर क्या है, बोलो कुत्ते कुत्ते लड़ते तो मालूम था, ये मुंगूस भी देखो बच्चे का पैर पकड़ लिया, बड़ा अच्छा बड़ा मुंगूस था, मुंगूस मालूम ना आपको जो सांप को मारता है वो, बाप रे बाप, मैं तो हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी जाने के लिए, पर फिर भी मैंने बच्चे को बचाने के लिए गई, उसको छोड़ के मेरी तरफ आ रहा था, मारी उसको डंडे से भगा दी। चलो बेटा अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे ऑफिस, और प्लीज़ वो बच्ची को सब्सक्राइबर करना, वो बच्ची को सब्सक्राइबर करना, उसका चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, क्ले सेलर लिखा हुआ है, प्लीज़ बेटा वो बच्ची बेचारी अपनी माँ के लिए कमा रही है और कोई नहीं उनके घर में कमाने, वो बाहर का भी छोटा मोटा काम कर लेती बच्ची मेरी वो, और बहुत अच्छी बच्ची है, और ज़्यादातर मेरे को उससे इसलिए प्यार आता है क्योंकि मेरी बच्ची का नाम उसका नाम सेम है थोड़ा सा, इसलिए ठीक है बेटा, अब भी इलाके एक दो बल को सेल कर रही है, ठीक है, आपको देखना उसके पास जमा तो उससे प्राइस पूछ के आपको ले लेना, ठीक है, अगर आपको जमा तो, मैं बोली ना मुझसे मत लो उससे लो, ताकि उसकी ज़रूरत अभी पहले मेरे से ज़्यादा है। ओके अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे वापिस।